तुसी देख रहे हो विनिंग पंजाब टीवी तुहाडे नाल आ गुरप्रीत सिंह चट्ठा। विचार चर्चा करांगे हुण तक दीआं मुख खबरां दे उत्ते। प्रधानमंत्री सुरक्षा लापरवाही मामले नूं लै के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति दे नाल अहम मुलाकात की है ते इसे मामले नूं लै के उप राष्ट्रपति दा वी इक वड्डा बयान सामने आया। इस ते चर्चा करांगे ते नाल ही इस मामले नूं लै के पंजाब दे ADGP ला एंड आर्डर दीआं तीन वड्डियां चिट्ठियां सामने आईआं ने जिस दे विच वड्डा खुलासा होया कि खुलासा होया इस ते भी चर्चा होएगी। तो उस दे नाल ही डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं हाई कोर्ट तो वड्डी राहत मिली है, की राहत मिली है इस ते भी चर्चा करांगे। तो इस चर्चा दे विच साडे नाल मौजूद ने प्रोफेसर मनजीत सिंह अणखी। सब तो पहला अणखी साहब, प्रोग्राम दे विच निघा स्वागत है तुहाडा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रोफेसर साहब, जिस तरह प्रधानमंत्री सुरक्षा मामले नूं लै के जिहड़ा काफ़ी बवाल हुंदा नज़र आ रहा है, तो हुण प्रधानमंत्री ने जिहड़े उन्होंने राष्ट्रपति नाल मुलाकात की है, कि मतलब कढ़िया जावे इहदा? देखो, कल तो जदों दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस गए ने पंजाब तो बाद उदों तो ही पंजाब विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिहड़े सुरक्षा का मसला जिहड़ा हैगा वह मतलब कौमांतरी पद्धर तक नहीं कह सकते, मतलब देश के बड़ा एक हाईलाइट मुद्दा जरा कौमी पद्धर से बड़ा वे पद्धर से वह मसला जरा बनिया हो और इस मसले की सुरक्षा के मुद्दे के उत्ते उच्च लैप्स हो सुरक्षा के चूक लगी है या नहीं लगी, पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके इस मसले को बनाने की कोशिश कर रही है, ये जी गल है ये गल कोई समझ तो जी बहर हैगी। खैर चलो, वो एक वक्रा विषय है कि सिक्योरिटी लैप्स होया या नहीं होया, सुरक्षा च सानू लगी कि नहीं लगी, पर दो तीन चट्ठा जी जिहड़ियां गल्लां उह जरूरी करनियां बनदियां ने। तुहाडे प्रश्न का जवाब मैं बाद च दवांगा, कल तो बाद दर्शकां दे रूप असीं हुण हो रहे हैं, तो एक दो गल्लां जिहड़ियां ने उह जरूर करनियां बनदियां ने। ठीक है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा उत्थे 15 मिनट उन्हां दा काफला जिहड़ा रुकिया रहिंदा, पर प्रधानमंत्री वल्लों जाण लग्गिआं जिस तरीके नाल अपना वह अंदरला जहर अहीं कह सकते हैं, अंदर की विस जी जिस तरीके बाहर कढ़ के गए हैं और समुची पंजाबी कौम को उन्होंने इस तरीके कटहरे च खड़ा करता था कि जिवें पंजाब दे विच उन्हां दी जान नूं पता नहीं किन्ना खतरा सी, समुचे पंजाब नूं समुचे पंजाब वासियां नूं जिहड़ा उन्होंने अपने घेरे दे विच लिआंदा जां अपनी आलोचना दा जिहड़ा शिकार कीता उह किसे हद तक ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई भी परमात्मा दा कृपा रही कि कोई भी जिहा इंसीडेंट नहीं वापरिया जिहदे उत्ते प्रधानमंत्री की सुरक्षा तो उत्ते कोई प्रश्न चिन्ह लगा होवे, कोई इहो जिही कोई गलबात। ठीक है, काफला रुकिया एक वखरा मसला हैगा, आप उस मसले च नहीं पै रहे कि गलत है या की ठीक है, पर जो मसला एक कौम समुचे समुचे एक खिते इस पक्ष तो बदनाम कर देना जो मतलब मैं नहीं ठीक लगा कि जिस अहदे ते तुसीं बैठे से उस अहदे ते एक इहो जी तुहाडे मूँह चो निकले जिहड़े शब्द ने उन्हां दी कोई महत्ता हुंदी है। सो प्रधानमंत्री जी अपने उस अहदे की मर्यादा का ख्याल रखते हुए जरूर इस मुद्दे के संबंधी अपने विचार जो देने चाहिए, देने का हक है, पर समुची एक खिते जो कल इस घटना तो बाद जो वड्डे बयान सामने आए थे कांग्रेस के कुछ लीडर के, जिस कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल से, कि जिहड़े ला एंड आर्डर की स्थिति है पंजाब दे विच डामाडोल ने, इस करके राष्ट्रपति राज जिहड़ा लगाया जाना चाहिए, कि लगता है प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति साहब दे नाल ये भी गलबात हुई होवे कि गवर्नरी राज जिहड़ा वो लागू किया जाए, इस विषय पर कोई गलबात हुई होवे? देखो, मैं उधर ही लगा सां, तुसीं मैं वो तां करके कह रहा सां कि तुहाडे प्रश्न दा उत्तर मैं बाद च दिंदा कि एक तो यह गल नहीं होनी चाहिए, बाकी कल तो जदों के प्रधानमंत्री हुणी गए ने उदों दा ही ये सवालों नूं लैके ये सुरक्षा के मुद्दे नूं लैके वख-वख पार्टियां वल्लों जिहड़े बयान जिहड़े दित्ते जा रहे आ, ईवन कि कांग्रेस पार्टी के विचों ही सुनील जाखड़ का ट्वीट भी जिहड़ा आउंदा उन्होंने भी इस गल नूं गलत कहा, दूजे पासे कैप्टन अमरिंदर सिंह होणा ने भी मिंटो मिट्टी जिहड़ी आ पंजाब विच राष्ट्रपति राज की जिहड़ी मंग आ उह कर दित्ती है, और दूजे पासे आम आदमी पार्टी भी इहदे संबंधी इहो जिही उहदे विचार हन। तां कुल मिला के अज प्रधानमंत्री होणा दी राष्ट्रपति होणा नाल जिहड़ी मुलाकात हुई है और मुलाकात जिस संदर्भ दे विच उन्होंने अपनी चिंता का इजहार किया राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक के मसले को लैके, ठीक है वो देश के पहले मुखी ने तो उन्हों की चिंता जी है वो करनी बनती भी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मीटिंग के राष्ट्रपति राज को लैके कोई गल की गई हो, क्योंकि चट्ठा साहब केवल और केवल चोन जाबता लगन के 2-4 दिन ही जिहड़े वो रहिंदे ने, इहो जी सूरत में भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी हुण कौमी पद्धर से एक इस मुद्दे को बनाउण दे जतनां च ध्रुवीकरण करन दे मूक दे विच हैगी आ,
मेरा नहीं ख्याल कि वह पंजाब के अंदर राष्ट्रपति राज ला के बिना गल तो कांग्रेस पार्टी को शहीद का दर्जा दे दे तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तौर पर इस वे ध्रुवीकरण के मुद्दे से चोन के मुद्दे से रखद हो चल रही है क्योंकि पंजाब को गवाउन कुछ नहीं इस गल ध्यान रखना कि पंजाब को गवाउन कुछ नहीं पर पंजाब वापरे कल का जो इंसीडेंट है जिस तरीके उन्होंने वालों कौमी पद्धर से रौला रप्पा पाया जा रहा प्रधान माफ करना राष्ट्रपति ने भी जिस तरीके नोट्स लिया उपराष्ट्रपति ने भी जिस तरीके ट्वीट करके गल की है तो इस करके दूजिया स्टेटा इस मुद्दे को बनाने के यत्ना च गए तो ध्रुवीकरण होगा जिस तरीके का वोटा का ध्रुवीकरण तो आम आदमी माफ करना कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति राज लाने तो ग्रेज करेगी क्योंकि दिन तो चार या पांच दिन हार्डली जोड़े रेंगे ने तो जेकर राष्ट्रपति राज लगता तो कुदरती तौर पर फिर भाजपा की जी बदलाव नीति वो सामने आ जाएगी कांग्रेस पार्टी जिंदा शहीद जी बन सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ने इस वे अपनी वोटियां जड़िया बड़ी समझदारी खिलारियां ने तो उन्हें समझदारी के ही आ जो मुद्दा उन्होंने ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की जी कह सकते कि दूजे जोड़े है कि इस मुद्दे को थोड़ा जहा आउंदे चौं पंजा दिनों तक इसे तरह घुमा के रखा जाए अज सुप्रीम कोर्ट के भी एक रिट जी इस सुरक्षा के मुद्दे को लैके पा दी गई है। मैं अपने दर्शकों को एक गल दसनी चाहूंगा कि यह जरूरी नहीं कि चलो आप गल कह दिए कि आप क्लीन चिट नहीं लगे दे ना ही कोई साड़ी समर्था हैगी है ये कोई पहला मुद्दा नहीं है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के यहोजा कोई चूक हुई हो हालांकि पंजाब यहोजा कुछ भी होया जेकर अज तो मैं कुछ 2019 की गल करा जब थोड़े जि समा पहले की गल पश्चिमी बंगाल से जरा परगना 24 है वो अशोक न अशोकपुरमा उत्थे भी यहोजी नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के घेरा उदो लगा से जो TMC के कुछ मैंबर ने इस तरह धरना किया तो हालांकि 2009 तो लैके उस तो भी पहला डॉक्टर मनमोहन सिंह समय तो लैके यहोजी जी इंसीडेंटली असं कह सकते हैं कि एमरजेंसी इस तरह जी चूक हो जाती है तो इस मुद्दे को इन्नी तूल देने की लोड़ नहीं जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी जी है तूल दे के एक खास वर्ग को एक खास कौम को बदनाम करने का जतन जरा करती पी है। ठीक है ये गलती हैगी है कहा जा सकता कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा जी सब तो नंबर एक ते है तो पर जेकर इंसीडेंटली कुछ भी हो सकता मतलब कई चीज भी हो सकती है 2009 च हुई है 14 च हुई है 15 च हुई है 19 च हुई है जो वैसट बंगाल दोण हुई उदों भी यहोजी चूक हुई ने पर यहोजे मसलों में ज्यादा उछालना नहीं चाहिए इस मुद्दे को एक अं कह सकते कि गलती के आधार पर मान लेना चाहिए जी। तो भावें प्रोफेसर साहब पंजाब सरकार ने इस मामले को लैके दो मैंबरी कमेटी भी बना दी है तो जिहड़ियां ADGP ला एंड आर्डर दियां तीन चिट्ठियां सामने आईयां ने उहदे च तां वड्डा खुलासा होया उहदे विच कहा है कि उन्होंने IG रेंज सी जिहड़े पंजाब दे सारे IG रेंज हो गए DIG हो गए पुलिस कमिश्नर हो गए SSP हो गए सारिआं नूं मतलब ये लिख दिता सी पहले ही भी किसी भी तरह की जिहड़ी समस्या ना आए प्रधानमंत्री ने जिहड़े उन्होंने फिरोजपुर जाना है उसनों लैके रास्ते विच कोई समस्या ना आए कि लगता है कि हुण जिहड़ी जांच होनी है जां कुछ भी है वह जिहड़ी भी गाज है वह हेठले अफसरां ते डिगेगी। देखो दो मैंबरी नहीं मैं माफ करना तीन मैंबरी कमेटी का जो गठन जो किया गया है तो जिहड़े जिस तरीके चिट्ठियां कही चिट्ठियां भी सामने आ रही ने अज जिस तरीके नजला कल फिरोजपुर से SSP हरमनजीत ही डिग पिया उस तो बाद जो सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने जोड़े DGP माफ करना ADCP ने तो विजिलेंस ब्यूरो के मुखी ने उन्होंने भी उतों बदल के उत्तर उन्होंने थान पर ईश्वर सिंह ला दिता गया है। हालांकि सरकार ने कल ये साफ किया कि असी अपने अफसर के ना पंजाब पुलिस के ना पूर्ण तौर पर मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के खड़े है पर क्योंकि जिस तरीके इस वे भारत का गृह मंत्रालय इस सारे मसले के इनवॉल्व हो गया तो जरूरी है कि उस चीज़ को खत्म करने वास्ते जी इनकुआरी है जी जांच है वह करवाई जाए तो जांच इस करके पंजाब सरकार ने अपने पद्धर से जी जांच है वह कराने की जी शुरुआत कर दी है। तो देखो चूक तो जेकर 20 मिनट प्रधानमंत्री का काफिला उत्थे फ्लाईओवर से रुकिया रहा तो कुदरती मनना पड़ेगा कि ये जिम्मेवारी तो तय करती पेगी ना कि उस रूट के उत्ते किसानों जिहड़े प्रदर्शनकारी से उन्होंने किस तरीके सूचना पहुंचे किस तरीके रोड जरा वो साफ नहीं हो ट्रैक किस तरीके मल्या गया कुदरती तौर पर जिम्मेवारी तो इसकी किसी ना किसी बंदे की आएगी तो एक सरकार का फिर अपना मुद्दा होंगे कि पला तो चाड़ना ही है हूँ जिस तरीके जो मर्जी तुम कह लो अं जिनी मर्जी कह दू पर पंजाब सरकार की जी इस मसले के असी कह सकते कि जी एक मतलब जी देश के पद्धर से ज आम लोगों जी स्थिति आ चिंताजनक बनी है। पंजाब सरकार इस जिम्मेवारी तो भज नहीं सकती
कि उन्होंने अपनी जी जिम्मेवारी निभाई नहीं। पंजाब सरकार की जी स्थिति है कल तो काफ़ी जी असं कह सकते कि इस सारे मुद्दे से तरसयोग जी बनी हुई है बिना गल तो किरकिरी अपनी करा बैठे ने। बेशक पंजाब के मुख्यमंत्री वालों जिन्ना मर्जी गृह मंत्री वालों जिन्ना मर्जी इस संबंधी अपने पक्ष जो पेश किए जा रहे हैं पर किरकिरी जी पंजाब सरकार की जी जरूर हुई है तो इस किरकिरी का ही सियासी दहा जो भारतीय जनता पार्टी लै रही है। बाकी ए डी जी जिहड़ियां चिट्ठियां आईया ने बिल्कुल उन्होंने वालों एक तरीक तो लैके चार तरीक तक चिट्ठिया पाई गई सन वख-वख रेंज के जो आई जी ने डी आई जी ने एस एस पी ने जो सीनियर पुलिस अधिकारी ने कि पूर्ण तौर पर ट्रैक साफ होना चाहिए प्रदर्शनकारी रूप के उत्ते नहीं होने चाहिए। सो वह तो अपनी जिम्मेवारी पूर्ण तौर पर निभा ही लेते हैं जो पुलिस अधिकारी ज चिट्ठिया का सिलसिला सामने आया। बाकी ये जी तीन मैंबरी कमेटी बनी है ये भी जी जांच करेगी जी तीन दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट जिसने पेश करनी है वो संबंधी पता लग जाएगा कि वह सारी स्थिति किसू दोषी पाया जाए कुदरती तौर पर वेखो एक पासे ना जे पी नड्डा की यह स्टेटमेंट आती कि उन्होंने मुख्यमंत्री फोन किया और मुख्यमंत्री उन्होंने फोन उसके चुकया नहीं। गृहमंत्री कहते कि मैंने फोन नहीं आया क्योंकि अज तक तो यही हों कि जरा गृह मंत्रालय हमेशा मुख्यमंत्री के कोल होंगे पर शायद इस पर कुछ स्थितियां कुछ अलग तरह दी सन। गृहमंत्री फोन नहीं आया प्रधान मुख्यमंत्री कहते मैं पता नहीं लगा मैं फोन चुकया नहीं। सो सारा कुछ ये क्लीयर हो जाएगा। बाकी वेखो एक गल तो चट्टा साहब है ही है जरा नजला है वो थलड़े अधिकारियों से डिगना उपर के अधिकारियों कुछ थोड़ा एक दो दिन रौला पाऊगा। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सियासत मुद्दे को भुलाने वास्ते सियासत करने वास्ते इसको वरतेगी। कांग्रेस इस मुद्दे को अपने बचाव करने वास्ते वरतेगी। बाकी होना हाला इस मुद्दे से कुछ ज्यादा कोई यहोजा जे अं ये कही कि राष्ट्रपति राज लग जाए राष्ट्रपति राज लगने वाली कोई गल है नहीं जी। एक पास तो मौसम की गल कर लिए दूजे पास जरा धरने प्रदर्शन हो रहे थे तो की लगता है कि प्रदर्शनकारी इस लिए किन्ने जिम्मेवार ने क्योंकि जो रास्ता खाली करवाने की गल करिए प्रशासन ने करवाना सी उसका काम सी। देखो ये असी जिम्मेवारी जी ना असी सारे की तय जे करिए तो सारे की तय बनती है। प्रदर्शनकारी बड़े दिनों तो इन्नी गल कह रहे थे कि असी प्रधानमंत्री के जो रैली का विरोध जरा करना है। दूजे पासे प्रदर्शनकारियों की या किसान जथेबंदी की जिहड़े भाजपा के इंचार्ज ने गजेंद्र शेखावत उन्हां नाल भी मीटिंगां जिहड़ियां दो मीटिंगां का सिलसिला हो चुका सी। तीजे बन्ने जिहड़ी पंजाब सरकार इहदी भी जिम्मेवारी बनती है पूर्ण तौर ते बनती है। इस जिम्मेवारी तों इनकार नहीं किया जाता कि प्रधानमंत्री जिहड़े देश के प्रधानमंत्री वो किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है वो देश के प्रधानमंत्री हर राज वो जा सकते हैं तो उन्होंने सुरक्षित लांघा देने की जिहड़ी जिम्मेवारी पूर्ण तौर ते वो उन्हां दी सी। सो जेकर असी जिम्मेवारी तय करिए प्रदर्शनकारियों ने तो अपना रोस प्रदर्शन करना ही करना जरूरी से कि जो पंजाब च इहोजी अग जी बलदी पई प्रदर्शनकारियों के मन च गुस्सा किसान जथेबंदियां भड़कियां ने तो गजेंद्र शेखावत होना मुलाकात की जा रही मीटिंग हो जेकर यह मीटिंग किसी तन पत्र नहीं सी लगी तो फिर रैली जी पोस्टपोन की जा सकती है। तो जेकर पोस्टपोन नहीं सी करनी तो फिर मौसम का हाल हवाला वेख लिया जाता जो मौसम खराब से तो फिर भी इस रैली में अपने पद्धर से रद्द किया जा सकता है। तो जे पंजाब सरकार ने इस रैली करने की इजाजत दी ही तो फिर वो मुढ़ली जिम्मेवारी यह बनती सी कि पूर्ण तौर पर जो मर्जी हो जाता प्रधानमंत्री होना का रस्ता जरा ही सुरक्षित रहना चाहिए है उससे किसी भी किस्म की कोई भी समस्या जी नहीं सी होनी चाहिए। सो कह का अर्थ है साफ शब्दों से ये सब एक दूजे के जिम्मेवार ने ये कली पंजाब सरकार भी प्रदर्शनकारी भी जिम्मेवार ने केंद्र की जी भाजपा सरकार वह भी जिम्मेवार आ और वो नाल ही जांच एजेंसियां ने केंद्र दी एजेंसियां वो भी जा जिम्मेवार ने जिन्हां दे पूर्ण प्रधानमंत्री की जिन्हां दी सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी जिन्हां दे मोढ़े ते हुंदी है। सो तुसीं किसी एक नूं मोढ़े ते जिम्मेवारी सुट के उन्हों दोषी नहीं ठहरा सकते इस मसले च सब दोषी ने। बाकी ये गल मननी पऊगी कि कल जो होया वो ठीक नहीं होया। तो जिहड़े भाजपा आगुआं दे वल्लों पंजाब सरकार ते कांग्रेस सरकार ते वड्डे दोष लाए जा रहे ने कि ये सब कुछ जानबूझ के करवाया गया वो दोषां नूं किवें देखदे हो तुसीं? देखो यह तो केवल सियासत आ ये तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ बैठे बताया कि मुद्दा आ गया क्योंकि जेकर दूजे पासे गल करिए जिस तरीके का रैली दी कुर्सियां बिल्कुल उत्थे साडे पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खाली कुर्सियों नूं संबोधन कर रहे ही तो कुर्सियां तो सारे स्थितियां तो सारिया ने देखिया ना तो यह तो भाजपा के नेतावान भाजपा के नेतावान की छोड़ो सब तो ज्यादा जो दुख है मेरा ख्याल कैप्टन अमरिंदर सिंह लगा सुरजीत जाखड़ को लगा। सो यह केवल और केवल बयान जिहड़े ने यह केवल सियासी कीड़ा कढ़न नूं दित्ते जा रहे हैं भाजपा वाले अपनी सियासत गरमा रहे हैं क्योंकि उन्होंने को अज तक पंजाब दे विच अपने पैर लाउण नूं जिहड़ी धरती है वह नहीं है।
ਤਾਂ ਧਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਣੀ ਉਹ ਵੀ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਆ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਉਹ ਪਾਉਣ ਡੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੇਬੀ ਲਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਗੁਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਦੀ ਗੁਰਦਰ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਜੀ, ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਲਾਰਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹ ਦੱਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛਾਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀ, 26 ਜਨਵਰੀ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਚੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ 5-7 ਦਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਟ ਗਈਆਂ। 32 ਸੀ, 32 'ਚੋਂ 10 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, 22 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, 2 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, 3 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਾਕੀ 2-4 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਬਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਅਰੈਸਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਅਰੈਸਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਤਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਰਤੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ SIT ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ
ਉੱਥੋਂ ਐਸ ਆਈ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਸੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।